खबर दिल्ली से, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार हरियाणा से जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आ रही है। बीजेपी के भाषण में सिर्फ राहुल गांधी पर निशाना, कब तक विपक्ष पर निशाना साधकर काम चलाएगी बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी के कुशासन का अंत होगा। तो दीपेंद्र हुड्डा ने देखिए बीजेपी को निशाने पर लिया है, साथ ही साथ जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रखी है, तो वही उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि आखिर कब तक वो विपक्ष को घेरे में लेते रखेंगे, आखिर कब तक बीजेपी इस तरह से विपक्ष पर सवाल उठाएगी। अब हरियाणा में बीजेपी जा रखी है, कांग्रेस की सरकार आ रखी है, दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से जीत का दावा किया गया है। और बहुत से जो पदाधिकारी जो शामिल हुए हैं, जो जो जेजेपी के जिला अध्यक्ष गुड़गांव से शिवचंद जी सरपंच साहब और उनकी पूरी टीम, और तो ये जो ये संकेत है इस बात का कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, जो इतनी लगातार ज्वाइनिंग हर क्षेत्र से हर वर्ग से कांग्रेस पार्टी में भाजपा छोड़ के लोग शामिल हो रहे हैं, वो संकेत है और सबका हम स्वागत करते हैं। देखिए आज हरियाणा का जन जन जानता है कि हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार हरियाणा से जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है।